धरती की। ये गीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के परंपरा की झलक संजोए लोक गीत हमारी माटी के। कुछ आंसू हैं, कुछ खुशियां हैं, कुछ मौसम हैं, मन बतियां हैं, मेले भी हैं और नदियां हैं, कुछ झूले हैं, अंगनैया हैं, पूजा भी है, त्योहार भी है, ये माटी का आधार भी है, ये अपनी धरोहर गाती है, लोक रंग से धरा सजाती है, ये अपनी विरासत अनुपम है, स्वर संपदा ये सर्वोत्तम है। आओ इस पर अभिमान करें, इन गीतों का रसपान करें, लोकगीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के धरती के गीत। कार्यक्रम के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, मन के भावों की अभिव्यक्ति अगर किसी माध्यम से प्रकट की जा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकगीत ही हैं। इसमें हमारी संवेदनाएं होती हैं, इसमें हमारे स्वाभाविक जीवन की झलक मिलती है। लोकगीत हमारे समाज की आधारशिला है। समाज की वास्तविक दशा, परिस्थिति और स्थितियों का चित्रण इनमें होता है। प्रदेशीय लोकगीतों में जनता की आत्मा निवास करती है, ऐसा विद्वानों का कथन है। लोकगीत जनजीवन को व्यापक रूप से आंदोलित करता है, क्योंकि लोकगीतों में जीवन की लय होती है। वो गहरे से लोक व्यवहार और लोक रुचि से जुड़े होते हैं। लोकगीतों की परंपरा जीवन की सच्चाई खोजने की परंपरा है, और इस परंपरा को संरक्षित किया मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आकाशवाणी रामपुर ने विभिन्न जातियों समुदायों के लोकगीतों को सहेज कर ग्राम डोहरिया तहसील शाहबाद रामपुर के लोकगीत इस समय आप ओमवती, जयदेही, कुसुम देवी, मिथिलेश और माला देवी के साथ सुन रहे हैं। शुरुआत इस जच्चा गीत के साथ। भाव है, बालक होने की खुशी में अपने भतीजे के आने पर नंद जच्चा से कंगन मांगती है, तो जच्चा कंगना देने को किस तरह से मना कर रही है, यही भाव है इस लोकगीत के। I'm not afraid of the dark.
प्रस्तुत है एक और जच्चा गीत, जिसमें जच्चा ने अपने पति को समझाया है कि किसी से गलत मत कहना, दाई के पास जाओ, उन्हें इत्मीनान से समझाते हुए ये समाचार देना, उन्हें मनाना और अपने घर आने को कहना। इसी तरह से सभी रिश्तेदारों को वो मनाने का, बुलाने का संदेश भेजती है। ला
इस चर्चा गीत में पुराने रीति रिवाज के अनुसार जब जच्चा के पहली बार पुत्र का जन्म हुआ है तो उसे पनिहारी बनाकर कुएं पर ले जाया जा रहा है, लेकिन पैर फिसल गया है और उसके चोट लग गई है। अब समस्या है कि वो जल कैसे भरेगी। प्रस्तुत गीत एक लाड़ो गीत है। लड़की की लगन पर इस गीत को गाया जाता है। कहा जा रहा है कि ये दिन हमेशा याद रखना, बड़े नाज से पाली है हमने अपनी बिटिया, उसका टीका आएगा, बिंदी आएगी, नथनी आएगी, चूड़ी आएंगी, कंगन आएंगे, साड़ी आएगी, बहुत कुछ आएगा, संभल कर पहनना, ये दिन तुम्हें बहुत याद आएंगे। ये भाव है इस लाड़ो गीत के। Oh.
इस गीत में भाव है कि बिटिया को दुल्हन के रूप में घर से विदा किया जा रहा है। तब बेटी अपने परिवार वालों से कहती है कि हमें अपने महलों से क्यों हटा रहे हो, क्यों भेज रहे हो, थोड़ा हमारा ख्याल कर लो। Yeah.
ये गीत भी संस्कार गीतों की श्रृंखला में विवाह के अवसर पर विदाई के वक्त गाया जाने वाला लाड़ो गीत है। लड़की दुल्हन के रूप में अपने मायके से ससुराल को जाने को तैयार है। अपने परिवार वालों से वो कहती है कि तुमने बचपन से मुझे पाला और आज धक्का देकर अपने घर से मुझे निकाल रहे हो। श्रोताओं, ये लोकगीत थे ग्राम डोहरिया तहसील शाहबाद रामपुर के ओमवती जयदेवी कुसुम देवी मिथिलेश और माला देवी के स्वर में। हमारी इस लोक यात्रा का पड़ाव आज इसी स्थान पर। इन्हीं लोक कलाकारों के बीच कल यहीं से पुनः आरंभ करेंगे यात्रा का अगला चरण। असीम आपके साथ रहेगा।